हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बात मैं सबसे पहले ही बोल देती हूँ, क्योंकि आप ना देखने में लाइक करना भूल जाते हो। तो बस कंटिन्यू व्लॉग। और आज मुझ में क्या चेंजेस दिख रहा है, चेंज ज़रूर बताना कमेंट में क्या दिख रहा है, आप गेस करके बताना। फिर कल वाले में व्लॉग में मैं बताऊँगी आपको कि क्या मुझ में चेंज दिख रहा है, देख सकते हो कहीं भी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम, आपको पता ही है, मैं उठ के ही नहा लेती हूँ। तो यह नहाने धोने के बाद मेरे बच्चों की दोनों तबीयत ख़राब है, और दवाई दे रही हूँ। किट्टू की थोड़ी बहुत सही हो गई है, कि अब चेरी की थोड़ी बहुत ख़राब ही है, मेरे को ऐसा लग रहा है। लग क्यों तो क्या रहा है, बस वो है ना, रोए जा रहा है। तो बस उसी के साथ थोड़ा काम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। वैसे ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो बच्चों में हमेशा लगी रहती है, क्योंकि बच्चे हैं ना, 4-5 साल के नहीं होंगे तब तक तो ऐसा ही रहेगा। और यहाँ मैं मेरी बेडशीट भी चेंज कर ले रही हूँ साथ साथ में, और आपसे बातें भी कर लूँगी। बातें ये करूँगी कि आज मेरा व्लॉग बहुत ही छोटा होने वाला है, क्योंकि मैं कल भी, आपको पता ही है, मैं गरबा खेलने चली गई थी। मैंने आपको वीडियो में बोला था कि मैं इस वाले व्लॉग में कल वाली वीडियो डालूंगी, लेकिन मैंने ही नहीं डाली। मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल रखी है, अगर किसी ने नहीं देखी हो तो मैं यहाँ आईडी मेंशन कर दूंगी, आप जाके देख लेना। 2-3 वीडियो हैं जो मैंने डाल रखी है, और आज वापस फिर जाऊंगी मैं गरबा खेलने, तो उसकी मैं इसमें डालूंगी। इस वजह से मैंने ये वाला वीडियो थोड़ा छोटा कर दिया है, और लास्ट में मैं आपको गरबे वाला ही पार्ट दिखाऊंगी। तो मतलब मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, वीडियो बनाओ फिर उसको है ना एडिटिंग करने का मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि गरबे में रात भर, मतलब 7 बजे से मैं वहाँ लग जाती हूँ तैयार होने में, फिर वहाँ गरबे खेलने जाओ, फिर बच्चे को संभालो, तो फिर मैं रात को कब मैं एडिटिंग करूँ। इस वजह से मैं घर वाला व्लॉग थोड़ा कम बना रही हूँ। तो कोई नहीं, व्लॉग में आगे तक बने रही, ये वाला व्लॉग भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, क्योंकि हमारे यहाँ कौन से कैसे गरबे होते हैं वो आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो में आगे तक बने रहिए। और यहाँ चेरी को लग गई थी प्यास, क्योंकि वो बिस्किट खा रहा था, तो बस इसी वजह से मैं उसको थोड़ा सा पानी पिला रही हूँ। और मेरी बेडशीट भी हो गई है चेंज, मतलब पूरी क्लीन हो गई है, और अब मैं साथ ही साथ इनको ये कर देती हूँ, मतलब तकियों में खोले भी लगा देती हूँ। और किट्टू बाहर खेल रहा है, और मतलब हमारे यहाँ है ना गरबा, मतलब डंडों से नहीं खेलते हैं, हाथ से ही खेलते हैं। तो मैं कल गई थी, तो वहाँ कल की वीडियो भी थोड़ी बहुत बनाई है, और आज की वीडियो में इसमें डालूंगी। और ये वाला व्लॉग मैंने सुबह शूट किया है, और दिन में एडिटिंग किया है, और शाम को मेरे गरबे में लग गई हूँ, इस वजह से मैंने ये व्लॉग थोड़ा छोटा कर दिया है। सुबह का लगा रही हूँ मैं झाड़ू पोछा, मतलब काम मैंने सारे किए, लेकिन वीडियो में मतलब नहीं लाई हूँ मैं झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, फिर ऊपर का काम किया। अगर तो वीडियो देखो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब वीडियो बहुत लंबा बनता है, फिर उसको कटिंग करके छोटा करना पड़ता है, फिर बाद में वॉइस ओवर करनी पड़ती है, तो मतलब बहुत ही टाइम लगता है। इस वजह से मतलब मैंने छोटा कर दिया है। और यहाँ मैं आ गई हूँ दुकान में झाड़ू लगाने, साथ ही साथ लगाती मैं रोज़ ही हूँ, लेकिन कभी कभार ही दिखाती हूँ। और बस उसके बाद अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में, मतलब मोटर चालू करके ये मटके भरने हैं, और एक कैन भर के रखनी पड़ेगी, कभी बाई चांस मान लो लाइट वाइट नहीं हो तो उससे पहले रात वाले बर्तन मेरे बेसिन में रह गए थे। तो प्लीज़ मुझे कोई कमेंट मत करना कि रात के बर्तन नहीं रखते, मुझे भी पता है कि रात में बर्तन मैं कभी भी नहीं रखती हूँ, लेकिन मैं घर पे खेलने में चली गई थी, फिर वहाँ से आई तो मेरे पैर इतने दर्द होने लगे थे, क्योंकि देखो अपन हम कभी कभी घर पे खेलते नहीं, हम रोज़ नहीं करते ऐसा, मतलब काम के तो पैर दुखते हैं। तो इस वजह से मैं फिर घर पे से लौटी, उसके बाद मैं वो कल वाला वीडियो एडिटिंग किया था, तो बहुत मुश्किल था मेरा बर्तन साफ करना, इस वजह से मैंने छोड़ दिया था। फिर मैंने तो बोला भी था मेरे हस्बैंड जी को मैं बर्तन साफ़ कर दूँ, वो बोला था नहीं छोड़ दे कोई बात नहीं कल कर देना, एक दिन तो चलता है। तो बस वो बर्तन पहले मैंने बेसिन से बाहर निकाले, उसके बाद ये मटका और केन दोनों भर के रख दे रही हूँ अब मैं। और चेरी को देखिए, ये रोए जा रहा है, मैं काम कर रही हूँ लेकिन ये रोए जा रहा है, मुझे इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। तो अभी के लिए तो मैं उसको है ना बाहर झूले में सुला के आ गई हूँ, और अब आ गई हूँ अपने किचन के कामों में। तो खाने में मैंने बनाई थी भिंडी की सब्जी और रोटियाँ बना दी थी, और आज तो संडे है, किट्टू भी स्कूल नहीं गया, तो इस वजह से ना मैंने
फिर उसको दिन भर पढ़ाया भी सरी थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत साफ सफाई भी करी है। और बस उसके बाद मैं अब आ गई हूँ जल्दी से ऊपर कपड़े डालने के लिए। कपड़े तो मेरे रोज़ के रोज इतने ही हो जाते हैं। कल भी दुकान लग गई थी कपड़ों की, और आज भी देखिए पूरी बाल्टी भर के लेके आ गई हूँ मैं। बच्चों और हस्बैंड जी की वजह से कपड़े ज़्यादा ही होते हैं। चलो कोई नहीं, होते हैं तो अपने ही हैं। और धोने तो मुझे हाथ से है नहीं, मशीन में डालने हैं। तो साथ ही साथ अब मैंने डाल दिए, और अब मैं यहाँ लगा देती हूँ पोछा। तो गाइस मैंने आपको बोला ही था कि मैं शाम को गरबा खेलने जाऊंगी, तो ये आ गई हूँ मैं गरबा स्थल में। और यहाँ थोड़ा बहुत मैंने वीडियो मतलब ऐसे ही बनाया है, और ये मैंने किसी को दिया था कि आप मेरा वीडियो बनाना, तो थोड़ी बहुत तो क्लिप उन्होंने अच्छे से बनाई, लेकिन आधे में तो मैं आ ही नहीं रही हूँ। और ये देखिए हमारे यहाँ के गरबे ऐसे इस तरीके से होते हैं, बहुत ही शानदार होते हैं। स्टेप बाय स्टेप थोड़ी थोड़ी देर में स्टेप चेंज करना होता है, और मतलब एक मन खुश हो जाता है यार गरबा खेलने में, देखने में। जिसको देखने का शौक है वो देखता है, और जिसको खेलने का शौक है जो खेलता है। मुझे इतना बराबर से नहीं आता है खेलना, मैं सच बता रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन बहुत है गरबा खेलने का। यहाँ वाले स्टेप नहीं आते हैं मुझे, मुझे ना मेरे गांव वाले स्टेप आते हैं। मेरे को 3 साल हो गए गरबा छोड़े हुए, तो मतलब इस वजह से मुझे ये वाले गरबे नहीं आते हैं। चलो कोई नहीं, जैसा आया जैसा भी कर लिया मैंने। और इस वाले राउंड में ना मैं हूँ, लेकिन पता नहीं वीडियो इन दीदी ने कैसे बनाया था। एक दीदी थे मेरे पास में बैठे थे, तो उन्होंने पता नहीं कैसे बनाया, तो इस वजह से मैं इस वीडियो में आ नहीं रही हूँ। लेकिन कोई नहीं, मैं ना इंस्टाग्राम पे सारे वीडियो डाल दूँगी। अगर आप किसी को देखना चाहते हो, मैं यहाँ आईडी मेंशन कर दूँगी, आप जाके देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर, वहाँ आपको सब वीडियो मिल जाएंगे। यहाँ पर क्या है, मैं आवाज़ नहीं ला सकती क्योंकि आपको सबको पता ही होगा कॉपी क्लेम आ जाता है। और बस उसके बाद में हम घर जाने की तैयारियाँ हो रही है। तो ये मैंने यहाँ बाहर आके बनाया है वीडियो, कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा पंडाल। ये देखिए ये बहुत ही बड़ा पंडाल था। बस उसके बाद हम आ गए थे घर, 11:30 बजे घर आए हैं, मैं सच बता रही हूँ आपको।